एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉपर स्टिक पर। दोस्तों हम बात करेंगे आज एलपी टेक्नीशियन के उन सारे कैंडिडेट के लिए जिनका जो सिलेक्शन वो है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए नहीं हो पाया है। आपको पता है कि रेलवे ने कहा था कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो वैकेंसी का 15 गुना होगा, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि सिर्फ जो रेलवे ने लिया है सिर्फ 9 गुना लिया है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो सीबीटी 2 एग्जाम में नहीं जा पा रहे हैं। तो जो एक सिलेक्शन नहीं हो पाया है जिनका सीबीटी 2 में, उसको क्या करना है और कैसे करना है, अपनी क्वायरीज और अपनी जो ग्रीवेंसेस है वो कैसे दर्ज करवानी है आरआरबी को, ताकि आपका जो नाम है वो सिलेक्ट हो जाए सीबीटी 2 के लिए, वो सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें अंत तक, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको क्या करना है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आरआरबी जो भोपाल है उसकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पे आप नीचे आओगे थोड़ा सा तो CEN 01 के सेक्शन में, यानी जो एलपी टेक्नीशियन का सेक्शन है, उसमें आपको एक यहाँ पे पॉपअप शो करता हुआ दिखेगा लिंक जो एक्टिवेट करा गया है, हेल्प डेस्क टू लॉग इन योर क्वेरीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो खुल रहा है अभी। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ रहा है जिसमें आपको पहले में आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, दूसरे में पासवर्ड डालना है और उसके बाद जो है आपको कैप्चा कोड जो होता है वो डाल करके लॉग इन करना है सिंपली, ठीक है। तो अब जो है हम इस पे डालते हैं, सैंपल के तौर पर आपको दिखाते हैं डाल करके और बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक जो है सैंपल के तौर पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी एक स्टूडेंट का यहाँ पे डाल दिया हूँ और मैं लॉगिन करने वाला हूँ। तो इस लॉगिन बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप भी जब क्लिक करोगे तो इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और इसका नाम बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक देखोगे तो टॉप पर आपको एक जो है कॉल एक्शन बटन नजर आएगा हेल्प डेस्क का, तो आपको उस पर क्लिक करना है हेल्प डेस्क पर। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे कुछ आगे इस तरह का आएगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखोगे तो ऑप्शन सिलेक्शन का है, यहाँ पर लिखना है आपको क्लिक हेयर टू रेज न्यू क्वारी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक नया विंडो खुलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है इसके लिए। और जैसे ये विंडो खुलेगा उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम कैटेगरी, प्रॉब्लम टाइप एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो प्रॉब्लम का टाइप आएगा, तो आप यहाँ पे देख लो अगर टाइप है कि फर्स्ट स्टेज रिजल्ट रिलेटेड क्वारीज, तो आपका यही सवाल है कि पहले स्टेज में जो आपका रिजल्ट है वो क्यों नहीं हुआ सही से और आप सेकेंड स्टेज में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो आप इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला या ये वाला, ठीक है। उसके बाद अपनी ग्रीवेंसेस जो है दर्ज करवा सकते हो। तो चलो मैं ये वाला कर लेता हूं कि मेरा रिजल्ट सही नहीं आया। उसके बाद प्रॉब्लम टाइप में आप देख सकते हो अलग अलग लिखा, व्हेन कैन कैंडिडेट्स व्यू देयर स्कोर ऑफ एएलपी फर्स्ट स्टेज, व्हेन विल बी शॉर्टलिस्टेड टू डिक्लेयर बाय आरआरबी वेबसाइट। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे करके जाना है। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड स्टेज के लिए सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ अलग ऑप्शन आएगा कि व्हेन इज द सेकेंड स्टेज एग्जाम, व्हाट आर द एग्जाम डेट्स टाइम एंड ड्यूरेशन फॉर सेकेंड स्टेज एंड व्हेन विल एग्जाम सिटी स्लिप ट्रेवल पासेस इक्वल लेटर। तो यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन आएगा, तो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको अपनी स्टेटमेंट लिख दिया है कि आपका जो है स्कोर अच्छा था फिर भी आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए नहीं हो पा रहा है और क्यों नहीं हो पा रहा है, तो आप जवाब मांग सकते हैं आरआरबी से और वो उम्मीद है कि आपको ईमेल के जरिए या मैसेज के जरिए आपको आपका जवाब देगी। तो ये सारे प्रोसेस आपको अपनाना है अगर आप सीबीटी 2 में जाने चाहते हैं तो, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो लेकर के आनी थी आप लोगों के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर दो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।